फ्रंटलाइन वॉरियर्स को कोविड-19 की वैक्सीन लगाने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके तीसरे चरण में SDM इंदौरा सौमिल गौतम समेत तहसील कार्यालय के स्टाफ को टीके लगाए गए। इस मौके पर SDM इंदौरा सौमिल गौतम ने कहा कि कोविड-19 अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी हमें सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए और इस बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये शुरुआत की आज तो क्या कहेंगे लोगों को? देखिए, एज पर प्रोटोकॉल जो हमारा सरकार की तरफ से सभी को जो लेटेस्ट वैक्सीन बनी है कोविशील्ड, वो स्टार्ट कर दी गई है। और इसमें सबसे पहले एज पर प्रोटोकॉल हमारे डॉक्टर्स को, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उसके बाद फिर पुलिस कर्मियों को भी वैक्सीन लग चुकी है। उसके बाद अब आज हमारे SDM ऑफिस का स्टाफ इंक्लूडिंग मी और हमारे जो तहसील का स्टाफ है, तहसीलदार साहब, हमारे सभी पटवारियों ने आज वैक्सीन लगवाई है। और मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करूंगा कि जब भी आपकी बारी आए, आप सभी इस वैक्सीन को लगाएं, क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा अभी भी टला नहीं है, संक्रमण अभी भी हो सकता है। किसी को कोई भी ऐसे लक्षण आते हैं तो वो अपना टेस्ट भी जरूर कराएं और समय आने पर सभी इस वैक्सीन को इसको जरूर लें। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए इंदौरा से अशोक ठाकुर।